बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर बड़ी खबर पे जो कि आ रही है जींद से, जहां निकाय चुनाव पर ओपी धनखड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए तैयार है हम, चुनाव के साथ दिल भी जीतेंगे और कोर्ट में मामला विचाराधीन होने से पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। चुनाव के साथ दिल भी जीतने का दावा कर रहे हैं ओपी धनखड़ और उनका कहना है कि कोर्ट में मामला अभी लंबित है, इसीलिए पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। निकाय चुनाव पर ओपी धनखड़ का बयान सामने आया। ओपी धनखड़ ने कहा कि चुनाव के साथ साथ लोगों का दिल भी जीतेंगे हम। ओपी धनखड़ यहां चुनाव के साथ साथ लोगों के दिल जीतने की भी बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं, चुनाव के साथ साथ दिल भी जीतने की तैयारी है इस बार और मामला अभी कोर्ट में है, इसीलिए पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। जींद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव पर ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, चुनाव के साथ साथ हम दिल भी जीतने की तैयारी कर रहे हैं इस बार और उनका कहना है कि कोर्ट में मामला अभी है, इसीलिए पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की निकाय चुनाव से संबंधित, तो जहां निकाय चुनाव पर ओपी धनखड़ का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के साथ साथ हम लोगों का दिल भी जीतने वाले हैं और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, मामला अभी कोर्ट में है, इसीलिए चुनाव में थोड़ी देरी हो रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं हम। निकाय चुनाव को लेकर ओपी धनखड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव के साथ साथ हम लोगों का दिल भी जीतेंगे और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उनका कहना है कि मामला अभी कोर्ट में है, इसीलिए पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। नगर परिषद के चुनाव की दृष्टि को लेकर है, अभी चुनाव होने वाले हैं जो संभावित हैं मई में, उसी के नाते से कुछ नेताओं की ड्यूटी लगाई हुई है, मेरी भी ड्यूटी लगाई हुई है कि मुझे चीन में के साथ साथ और कई, मैं सफेदों भी होकर गया हूँ इसी तरह के टूर में। आज चीन में हम बहुत सारे परिवारों में भी आज जाने वाला हूँ, बहुत लोगों को मिलने वाला हूँ और अभी सुबह सुबह कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी पूरी तरह से नगर परिषद नगर पालिका चुनाव के लिए तैयार है। सरकार चुनाव आयोग जब भी घोषणा करेगा तो चुनाव में हम जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से केवल चुनाव जीतेंगे ऐसा नहीं, लोगों का दिल भी जीतेंगे। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। हल्ला बोल की खबर का असर हुआ है। जींद में ओपी धनखड़ ने सड़क बनाने का निर्देश दे दिया। जींद चंडीगढ़ हाईवे को लेकर NHI को ये आदेश दिया गया है और इंडिया न्यूज हरियाणा ने अपने खास कार्यक्रम हल्ला बोल में टूटी सड़कों का ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद हल्ला बोल के खबरों का यहां पर ये पूरा असर होता दिख रहा है। टूटी सड़कों को लेकर अब यहां पर उन्हें बनाने के निर्देश ओपी धनखड़ की ओर से दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में टूटी सड़कों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था और जिसके बाद अब जींद में ओपी धनखड़ ने टूटी सड़कों के मरम्मत के निर्देश दे दिए हैं। हल्ला बोल की खबर का बड़ा असर होता हुआ दिख रहा है। जींद में ओपी धनखड़ ने सड़क बनाने का निर्देश दिया है, साथ ही साथ जो टूटी सड़कें हैं उनके भी मरम्मत के आदेश दे दिए गए हैं। जींद चंडीगढ़ हाईवे पर जो सड़कें खराब थी उन्हें बनाने का निर्देश दे दिया गया है। अधिकारियों को, अभी ये NHI के पास है, मैंने NHI के अधिकारियों से अभी बात की है, जब मैं आया तो मैंने यहाँ के एक्शन से बात की और NHI के अधिकारियों को तुरंत बात की है, तुरंत ठीक करा।